सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भाइयों बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए क्या कहा है जरा इन बातों पर भी चर्चा करेंगे अभी हाल ही में उन्होंने सहायिका बहनों से जो मेन कार्यकर्ता बहने बनी है उनको लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए भी उन्होंने कुछ कहा है अभी उन पहलुओं पर आएंगे वहां से आप कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें पहले देख लीजिए काफी संख्या में वहां पर सहायता बहने पहुंची थी नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ लेकिन इसी दौरान कुछ बातें और भी निकल के आईं जैसे अगर हम बात करें बातों की तो सबसे पहले आपको बता दें अमर उजाला में एक आर्टिकल भी इस बारे में प्रकाशित हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने वहां पर क्या क्या कहा तो जो जो कहा है आइए उन चीजों को पहले समझते हैं क्योंकि तो चुनाव भी आने वाले हैं तो अब सरकार आंगनबाड़ी बहनों का वोट साधने का भी प्रयास करेगी बेशक उन्होंने 2017 में आंगनबाड़ी बहनों से चाहे कितने भी वादे किए हों चाहे वो मानदेय वृद्धि के वादे हो या सेवा शर्तों में सुधार के वादे हो बहनों ने प्रदेश की धरना प्रदर्शन भी किया और अब पिछले सात सालों से बहनें मानदेय वृद्धि का इंतजार भी करती रही लेकिन आज का भी अगर आप देखेंगे हालात तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मानदेय बहुत ही कम है यहां पर बहनों का मानदेय जो है यहां पर नौ हजार तक नहीं है यानी आठ हजार भी हर बहन को नहीं मिलता पैंतालीस सौ केंद्र के पंद्रह सौ राज्य के मानदेय इतना तो हर बहनों को मिलता है किसी किसी बहन की किस्मत अच्छी है तो पंद्रह सो पीएलआई के मिल जाते हैं अन्यथा फिर उतना ही बस रह जाता इसके अलावा नहीं मिलता जबकि बहुत से राज्य हैं आप मध्य प्रदेश को ले लो ते, तेरह हजार प्लस मानदेे मिल ही रहा है तेरह हजार मानदेय प्लस बारह सौ पचास लाडली का और अभी जुलाई आएगी तो तेरह से चौदह हजार उनका मानदेय ऑटोमेटिक हो जाएगा कोई धरना प्रदर्शन करने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी वही उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बहनों को समय आने पर मिलता क्या है वो हम आपको बताते हैं जैसे कि कार्यक्रम में एक बार फिर से आंगनबाड़ी बहनों को साधने के लिए सरकार ने यशोदा मैया का टाइटल दे दिया और इसके बारे में बखूबी जो है अखबारों में यह प्रकाशित भी हुआ है यशोदा मैया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यशोदा मैया की तरह हैं जिस तरह से भगवान कृष्ण का पालन माता यशोदा ने किया था उसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में ये कार्यकर्ताएं हजारों बच्चों का पालन कर रही हैं। बचपन को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है यदि बचपन स्वस्थ होगा तो जवानी स्वस्थ होगी और जवानी स्वस्थ होगी तो समाज उसकी प्रतिभा और उसकी क्षमता का भरपूर लाभ ले पाएगा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सराहनीय कार्य किया था ये सब बातें तो उन्होंने कही लेकिन अगर बहने यशोदा मैया की तरह हैं तो सरकार ये सुनिश्चित कर ले क्या इन यशोदा मैया को और बाकी के राज्यों की यशोदा मैया को जो काम तो तो सेम टू सेम है तो वहां पर मान दे उनको जीने लायक मिल रहा है किसी को तेरह हजार किसी को चौदह हजार कोई कोई राज्य ऐसे हैं जो चौदह से भी ऊपर दे रहे हैं अमूमन देखें तो दस हजार से ऊपर वाले भी कई राज्य हैं और दस की श्रेणी में भी आने वाले कई राज्य हो चुके हैं अब ऐसे में आप सबको पता है अभी हाल ही में उड़ीसा में भी दस हजार हो गया परसों और सो तो अभी बहुत से राज्य हैं जो दस से ऊपर कर चुके हैं मानदेय लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बहनों के हाथों में आठ हजार रुपया तक पूरा नहीं पहुंचता 4500 सौ प्लस पंद्रह सो, सो। यानी बात करें अगर हम अच्छे हजार रुपए मानदेय स्वरूप बहनों के खातों में पहुंच पा रहे हैं और उसके अलावा किसी की किसी की किस्मत अच्छी तो पंद्रह सौ और यानी साढ़े सात हजार अधिकतम पैसे पहुंच पा रहे हैं तो अब ऐसे में और पीएलआई सबको मिल नहीं पा रहा तो छह बेचारी काम कर रही और वो काम भी कैसे कर रही उसी में रिचार्ज का पैसा भी पहले ही अपने मानदेय खाते से बहने कटवा करके रिचार्ज करवाती फिर कभी जाकर के उनका वो रिचार्ज का पैसा आता कभी बिल बाउचर तमाम तरह के बिल बाउचर अभी हार्ड टू एचसीएम पंजिका को लेकर या बैनर के पैसों को लेकर बैनर में भी तीन रुपए बहने खपा रही हैं और ऐसे में बाद में पैसा आएगा बिल बाउचर लगाकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पैसा वो पहले लगा रही हैं और बाद में पैसा आ रहा तमाम योजनाओं के नाम पर भी कट जाते हैं उनकी जैसे बीमा योजना के नाम पर पेंशन योजना के नाम पर बहनों के खातों से वो भी पैसे काटे जाते हैं कि उनको आगे ये लाभ मिलेगा अब आप बताओगे पांच छह रुपए में जो दो हजार रुपया

वोट आ रहा है यानी चुनाव आ रहा है वोट लेने के लिए तो यशोदा मैया का टाइटल फिर देने लग गए लेकिन 2017 में किए गए वादों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही अन्य राज्यों के मानदेय के मुकाबले की बात की जाए तो वो भी ध्यान नहीं दे रही जबकि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जब पता है कोरोना जैसी महामारी में बहनों की भूमिकाएं सराहनीय रही बच्चों का लालन पोषण कर रही है जैसे खुदा मैया ने लल्ला पाला ये तो लाखों पाल रही है ऐसी बातें बार बार जो है सोशल मीडिया मीडिया में आती रहती हैं मंत्रियों के नेताओं के बयान भी आते रहते हैं लेकिन बात की जाए अगर मेहनताने की तो बहनों को मेहनताना देने में सब चुप्पी साध लेते हैं या इनको सरकारी कर्मचारी के दर्जे की बात कर दी जाए तो सब चुप्पी साध लेते हैं योगी सरकार से निराशा इसलिए हर आंगनबाड़ी बहन को है क्योंकि पिछली कितनी भी सरकारें आई हो किसी से भी इतनी उम्मीदें नहीं थी जितना योगी सरकार से थी कि कम से कम योगी जी हैं तो बहनों का दर्द समझेंगे लेकिन यहां पर समय पर समय बीता 2017 18 19 अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस अब 24 चल रहा और बहनें आज भी अन्य राज्यों की तरह आधे आधे पैसों में काम कर रही हैं अन्य राज्यों में इससे डबल डबल पैसा कार्यकर्ताओं को मिल रहा है खैर यहां पर आप देख रहे हैं ये आलम बना हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश का खैर यहां पर यह कहना जरूर चाहेंगे कुछ और बातें कही गई सरकार ने कहा कि बीते सात साल में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दोगुनी हुई है यानी पिछले सात सालों में उसके पहले जितने आंगनबाड़ी सेंटर थे उसके डबल हो गए यानी संख्या दोगुनी हो गई तो आंगनबाड़ी सेंटर का मतलब यहां पर इनसे नए पदों के सृजन से नहीं है कि आंगनबाड़ी सेंटर के नए पदों का सृजन हो गया हो यहां तक कि भर्तियां तक पिछले सात सालों में इससे पहले से नहीं आई आंगनबाड़ी की तो आंगनबाड़ी बहनों की नई भर्ती निकली ही नहीं रोजगार मिला नहीं रिटायर लाखों की तादाद में कोरोना समय में कर दी गई लेकिन अभी भी बहने भर्ती का इंतजार कर रही भर्ती जाने कब हो पाएगी विभाग कितनी लापरवाही से कार्य कर रहा है यह भी किसी से छुपा नहीं है वहीं आपको यह भी कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में सरकार को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आंगनबाड़ी सेंटर के निर्माण को ले तो लेकर कम कम बहनों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दे बहनों से किए वादों पर ध्यान दे अगर बहनें इतना मेहनती काम कर रही हैं और जब हर कोई जानता भी ये कर रही है तो कम से कम सरकार इनको कम से कम अपनी जो है नजर दृष्टि में बनाए रखे इनको लेकर के कोई अच्छे फैसले ले ताकि इनके परिवार का बहनों के जीवन यापन का कुछ कुछ अच्छा गुजारा हो पाए इनके भी बच्चे पढ़ पाए कुछ अच्छा हो यानी उम्मीदें बहनों को भी सरकार से बहुत हैं और सरकार जानती है कि कार्यकर्ताएं काम अच्छा कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही मात्र शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई तो यह सब देखते हो कितने अच्छे अच्छे काम जरूरी जरूरी जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं के कंधों पर है तमाम अन्य विभागों के कार्य भी कार्यकर्ताओं के कंधों पर डाल करके कराए जाते चाहे वो स्वास्थ्य भाग का हो चाहे शिक्षा विभाग का हो लेकिन फिर भी बहनें उनको करती हैं और उसके एवज में बहनों का मानदेय अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही और दुख की बात यह नहीं है कि सरकार के पास बजट नहीं है या पैसे की कमी है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के मुकाबले काफी सक्षम है अगर हमारे यहां का बजट देखा जाए तो अन्य राज्यों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और फिर भी जिन राज्यों में अपने यहां से कई गुना कम पैसा जो है बजट रहता है सरकारों का वो भी हमसे दो गुना मानदे दे रहे और हमारी सरकार उन राज्यों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट रखती है यानी राजकोषी राजकोष रखती है और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मानदेय उनके मुकाबले आधा ही है तो ये सब बातें जो है हजम नहीं होती और उत्तर प्रदेश जहां पर न्याय व्यवस्था की बात की जाए या जो है कानून व्यवस्था की बात की जाए हर चीजें आपको बेहतर मिलेंगी बाहरी लोग बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर निवेश के लिए भी तैयार हैं क्यों क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के उनका अब जो है वो एक भरोसा बना हुआ है तो कुछ ना कुछ चीजें हैं ऐसी लेकिन फिर भी एक तबका छूट जाता है वो है हमारी आंगनबाड़ी अगर हमारी सरकार आंगनबाड़ी बहनों की दशा पर ध्यान दे और उनके लिए कुछ अच्छा कर दे तो ये और अच्छा रहेगा सरकार के लिए भी प्रदेश की और बहने भी हमारी बढ़ चढ़ करके खुशी खुशी वो देंगी। सरकार की अधिकारी बुला लेते हैं ताकि भीड़ वहां पर दिखाई दे तो ऐसे कई मामले ऐसे हैं जो सरकार की तमाम योजनाएं हो या सरकारी का, जो है कार्यक्रम भी क्यों ना हो विभाग जो है मंत्रियों के उन सब में बहनों की भी हिस्सेदारी रहती है और बहने पूरी लगन मेहनत से सरकार का साथ दे रही लेकिन हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही कि कार्यकर्ता बहने आखिर कब तक उनको सिर्फ बातों से ही खुश कर दिया जाएगा ये बहने हैं इनको नियुक्ति पत्र बांटे गए तो ये तो कुछ चीजें हैं ही इस इसके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे गए तो कोई ये भी बड़ी बात नहीं कि जितनी मात्रा में उत्तर प्रदेश में सहायता बहने मेन आंगनबाड़ी बनाई गई है तो वो बहुत बड़ी बात हो गई बहुत बड़ी बात नहीं है इससे भी ज्यादा ज्यादा जो है सहायिकाएं जो है मिनी भी मेन में बन चुकी हैं यह तो हमारी सहायताओं का प्रमोशन हुआ सहायताओं की तादाद तो और ज्यादा है और भी ज्यादा संख्या में सहायका जो है से मेन बन सकती थी लेकिन कमी पदों पर किया गया रा, राजस्थान में आप देख सकते हैं छह मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र बनाने जा रही ये उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा अच्छा है रीजन मैं आपको बता दू क्यों क्योंकि आपको पता है मिनी केंद्रों पर क्या नहीं होता है सहायता नहीं होती अब मिनी से मेन में ये सेंटर बन, जो है बन चुके हैं 6204 अब 6204 हेल्पर की भी नियुक्तियां होंगी यानी सहायकाएं भी 6204 पदों पर तैयार की जाएंगी और जो बेचारी मिनी थी उनको मेन तो कर ही दिया गया पैसा भी उनके बराबर मिलेगा उनका भी परिवार का जीवन उतना समर गया और साथ ही साथ जो सहायिकाएं भी उनको एक एक मिल जाएंगी तो अब नए 6,204 पदों पर सहायता की भर्तियां हो जाएंगी तो ये और अच्छा है मुकाबले यूपी के कि यहां पर सहायता का केवल प्रमोशन हुआ मिनी को मेन में बदलने की भी कार्रवाई चल रही लेकिन विभाग की लापरवाही से वो काम नहीं हो रहा उसमें कहना चाहेंगे अगर योगी सरकार थोड़ा और निर्देश करा दे विभाग को तो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में मिनी को भी मेन में बनाया जा सके और जब मेन बनेंगे मिनी में तो हेल्पर की नियुक्तियां भी हो और भी बहनों को लोगों को वहां पर रोजगार मिल पाए तो कई ऐसी बातें हैं साथ ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन की बात हो वो भी बहुत ही कम पदों पर प्रमोशन किए गए जबकि आधे पदों पर प्रमोशन होने चाहिए थे जबकि सीधी भर्ती ज्यादा पदों पर निकाल दी गई प्रमोशन बहुत ही कम पदों पर किए गए 2017 की प्रक्रिया शुरू हुई थी प्रमोशन की और प्रमोशन 2023 में लास्ट तक आते आते पूरे हो पाए और अभी नियुक्ति पत्र उनको बटे क्या हुआ तैनातियां मिली क्या हुआ उसके बारे में भी कोई ज्यादा अपडेट नहीं है तो कुल मिलाकर के ये सब बातें निकल के आ रही हैं जिनमें सरकार ने एक बार फिर आंगनबाड़ी बहनों को यशोदा मैया का टाइटल दिया और कई बातें अच्छी-अच्छी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के कही हैं लेकिन मैं सरकार से विनती करता हूं ऑल इंडिया परिवार की हमारी बहनों का ध्यान दिया जाए कम से कम सरकार उनका अन्य राज्यों के मुकाबले हजार प्लस मानदेय कम से कम कर दे ताकि बहनें खुशी-खुशी अपना काम कर पाए अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए यह बहुत ही जरूरी है और प्रदेश में और भी बहुत से अच्छे काम हुए हैं और उन सब को देखते हुए खुशी होती है लेकिन जब बात हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आती है तो एक बार आलंडिया को निराशा लगती है क्योंकि जितनी उम्मीदें आलंडिया परिवार ही नहीं हमारी बहनें हर किसी ने जो योगी सरकार से की हैं और आज भी बहने उम्मीद लगाए बैठी हैं कि कहीं चुनाव को देखते हुए सरकार शायद कुछ कर दे लेकिन अभी बजट आया बहनों को फिर निराशा हाथ लगी तो एक बार फिर से सरकार से आग्रह है आल इंडिया परिवार का बहनों का कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ध्यान दिया जाए सत्य वर्मा जी हैं इन्होंने लिखा है मेरा नाम रीना वर्मा है आंगनबाड़ी सहायता हूं अंबेडकर नगर के जिला रसूलपुर उसरी से और हमारे ग्राम सभा में तीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं और तीन नंबर वाले केंद्र पर प्रमोशन होना था और मैं एक केंद्र पर कार्यरत हूं यानी फर्स्ट वाले में ये और थर्ड वाले में होना था प्रमोशन हुआ तो भाई जिस केंद्र पर जगह खाली है तो वहीं की कार्यकर्ता का होगा आपका थोड़ी हो जाएगा बारहवीं उसमें चाहिए होता है बारहवीं से ऊपर तो वो खुद पढ़ी है और ग्रेजुएट वो भी है तो उनका पहले होगा कि आपका हो जाएगा आपके सेंटर पर सोचो जब मानक में बारहवीं पास होना न्यूनतम जरूरी है अधिकतम है तो बात अलग है लेकिन बारहवीं पास है तो उसी केंद्र की सहायता का प्रमोशन होगा तो उसी केंद्र की सहायता का प्रमोशन हुआ तो इसमें आपको दिक्कत कि, किस बात की आपका थोड़ी हो जाता आप बी एमए कुछ भी किए ग्रेजुएट आप भी हैं तो लेकिन उससे क्या होता है आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं अगर एमए किया है तो कुछ कुल मिलाकर के उससे फर्क नहीं पड़ता बारहवीं है न्यूनतम तो वही है अब कोई कह दे हम तो आईआईटी करे हैं हम तो बी करे हैं और वो तो बस आप तो बी एम का किए हैं तो हमारा पहले होना चाहिए तो ऐसे थोड़ी होता है जो मानक जिसके लिए जिस श्रेणी में जितना चाहिए होता है शैक्षणिक योग्यता उतनी तो वो रखती है और उन्हीं के सेंटर का जो है पद खाली है तो उनका पहले होगा कि उनका छोड़ करके आपका कर दिया जाएगा तो कुल मिलाकर के सारी चीजें बताई गई है फिर भी हमारी बहने समझ नहीं पा रही है आगे नीता बहन राजस्थान से देखो राजस्थान में भी मिनी को मेन जो है मेन में

और शेखपुरा जिला है यहां पर सभी सुपरवाइजरों को बोला गया कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में उत्क्रमित करने के संदर्भ में यानी कि उसको अपग्रेड करने के संबंध में यानी साफ शब्दों में में कहें तो मिनी को मेन बनाने में बिहार के शेखपुरा जनपद में भी यह लेटर आया है बोला गया है कि निदेशक जो यहां पर उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अधिसूचना ज्ञापन उनहत्तर सत्तानवे अट्ठाईस बारह के द्वारा अरियरी परियोजना के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में उत्क्रमित किया गया है आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सेक्टर अंतर्गत स्वीकृत सभी मिनी केंद्र को सामान्य आंगनबाड़ी में उत्क्रमित हेतु तैयार अद्यतन सर्वेक्षण पंजी की प्रति कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तो देखो बिहार के शेखपुरा के अरियरी परियोजना में भी जानकारी आ चुकी है वहां पर भी मिनी को मेन में बनाने के लिए लेटर निकल गए तो कुल मिलाकर हमारी बहनों आप सब देख रहे हैं जूली बहन है शेखपुरा बिहार से उन्होंने यह मामला भेजा था और ऊपर के जो मामले हैं उनमें बात करें अनीता बहन ने राजस्थान वाला भेजा और एक ये जो बहन है आशा सॉरी उमा बहन है लखनऊ से लखनऊ वाले प्रोग्राम में वो भी गए, वहां से कुछ फोटो भेजी हैं जो कि बहनों का निकाला गया है अमर उजाला ब्यूरो में लखनऊ में अनीसा बहन है जालौन से जिन्होंने जालौन से यह जानकारी एक प्रसारण के लिए भेजी तो कुल मिलाकर के जाते जाते यही कहना चाहेंगे अगर आवाज शासन प्रशासन तक जा रही है तो यहां पर बहनों की आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाए सरकार इस ओर ध्यान दे नारी शक्ति को लेकर के सरकार कई योजनाएं भी चला रही है तो अगर सरकार इन नारी की तरफ भी थोड़ा ध्यान देगी जो उन्हीं सरकारी योजनाओं को चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो मिशन शक्ति कार्यक्रम हो इन सब में भी या गांव की ग्राम में तमाम समितियां बनी हैं उनमें भी भागीदारी की बात हो आंगनबाड़ी बहने हर जगह हैं और बखूबी अच्छा काम कर रही हैं जिम्मेदारियां उन पर भी हैं बड़ी बड़ी तो कम से कम उनको भी सरकार पहले सशक्त बनाने तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इन्हीं नारी के कि द्वारा किया जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों द्वारा किया जा रहा है तो नारी सशक्तिकरण से पहले अगर ये भी सशक्त नहीं होंगी तो ये क्या दूसरे लोगों को सशक्त कर पाएंगी तो इसीलिए शासन प्रशासन इनके मेहनत को देखते हुए कम कम से अन्य राज्यों की तरह तो पैसा दे ही सकती है जो है जो इस और बस ध्यान दिया जाए कोई भारी भरकम मांगे ऑल इंडिया नहीं करता क्योंकि यहां पर जो भी चीजें हैं वो ऐसी हैं जो देने लायक हैं दस हजार प्लस मान दे जैसे बहुत से राज्य तेरह हजार चौदह हजार दे रहे हैं सरकार अगर एक बार में चौदह नहीं दे पा रही है तो कम से कम का दस ग्यारह हजार मानदे कर सकती है और आगामी कुछ सालों में एक साल दो साल तीन साल में सरकार जब फिर सशक्त हो पाए तो फिर बहनों को महंगाई को देखते हुए थोड़ा बहुत वृद्धि कर दे या अपना सालाना के हिसाब से जो वार्षिक वृद्धियों की जो योजनाएं हैं तमाम राज्य सरकारें दे रही हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हर साल हजार रुपए बढ़े तो ताकि बहने प्रदेश में धरना भी ना करें और कोई भी बहने हमारी आये दिन मैदानों पर ना आए सड़के जाम ना हो किसी को भी जो है कोई परेशानी ना हो तो मेरी यही सलाह है शासन को कि अगर आवाज जा रही है तो बहनों को वार्षिक वृद्धियों के लाभ उत्तर प्रदेश में भी दिए जाए और ताकि हर साल जो है ना तो प्रदेश सरकारों के खिलाफ या किसी भी तरह से बहनों को लेकर वो सड़कों पर निकलना पड़े अपने हक के लिए तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तो अगर अच्छा खासा मानदेय दे दे दिया जाएगा तो बहने बार बार मैदान में भी नहीं आएंगी और वैसे भी आप लोगों का कुछ कहना हो तो कमेंट में कह सकते हैं धन्यवाद